5% क्रॉप डैमेज हो गई है उनके बचा सकते हैं पंजाब हरियाणा। सर जैसे कि हम जानते हैं कि वो क्यों खराब हो रही है, ओवर इरीगेशन या ज़्यादा पानी डालने की वजह से, जिस हिसाब से सेंसर जाते हैं नीचे तक, ये सेंसर हेल्प करते हैं जो ये सेंसर्स हैं जो पानी जितना गया है उसके बारे में डिटेल देते हैं। सर जैसे 103 शो कर रहे हैं यहाँ पे, सर अब जैसे बताएं जब 103 शो कर रहा है 100 से 120 उसे परफेक्ट टाइम रहता है शाम को वो करने के लिए। सर जो यूपी डैम इंक्लूड है आप देख सकते हैं, ये यूपी लैम्प को देख रहे हैं आप, ये यूपी लैम्प को प्लांट की मदद करते हैं ग्रो करने में। ये 100 से लेके 120 तक एक लाइन रहती है जिसमें वो हेल्प करता है प्लांट्स की जो ग्रो हो सके। सर ये वर्ल्ड वाइड ही अभी कहीं नहीं बना और ये अभी लॉन्च करेंगे हम, एक साल में लॉन्च करने वाले, अभी हम पेटेंट करेंगे अपने नाम से पर एक साल में लॉन्च करने वाले। बहुत अच्छी बात है। सर ये यूपी लैम्प जो है वो यूरिया के बिना भी काम करता है, यानी विदाउट एनी यूरिया सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यानी हम अब इंडिया जो यूरिया खा के आ रही थी उसको ऑर्गेनिक बनाने का टाइम आ चुका है, अब वो चेंज होने वाला है, इंडिया इज नाउ चेंज। उन्होंने इंट्रोड्यूस करें पेपर करेंसी को टर्सन, तो ये पूरा
क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? जी, ये है हमारा पंचकर्म का मॉडल वर्टिका। आप सेना सेवन एक्सप्लेन कीजिए। पंचकर्म जिसमें पहले शरीर की मालिश की जाती है, फिर का मालिश के कहाँ ये मालिश की जाती है, ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑयल्स हैं जिनका यूज किया जाता है। फिर दूसरा स्वेदना में पेशेंट को भाप के संपर्क में लाया जाता है, पूरी अच्छा। प्रोसेस शरीर की शुद्धिकरण के लिए की जाती है। फिर तीसरा शब्द प्रधान कर्म, इन विच द फर्स्ट प्रोसेस इज वमन। वमन इज एक्चुअली द मेडिकल एमेसिस और वॉमिटिंग थेरेपी, जिसके थ्रू हमारा कफ दोष एलिमिनेट होता है। देन द सेकेंड वन इज विरेचन। विरेचन एक्चुअली पर्जेशन थेरेपी होती है, जिससे हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्लियर होता है और ये हमारे पित्त दोष को एलिमिनेट करता है। थर्ड है हमारी बस्ती, जो कि एनेमा थेरेपी होती है। फोर्थ है हमारा नस्यम। नस्यम एक ऐसी थेरेपी होती है जिससे हाइपरटेंशन, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स क्योर होती है, और ये कहीं ना कहीं हमारी आईसाइट को भी इम्प्रूव करता है। लास्ट है रक्त मोक्षण, जिससे इम्प्योर ब्लड बाहर निकलता है। हमारी बॉडी में तीन दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, और उनका नियंत्रण ही पंचकर्म का उद्देश्य है। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बढ़िया।